और दूजे हैं भगवान। इन तीनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कंठ बक्सो मां सरस्वती, कंठ बक्सो मां सरस्वती, मेरे कंठ में करो पधारो मैया इस भवन में, तेरे भक्त करे अरदास। तू है दुर्गा तू है काली, तू कभी जाए न खाली। आपका है सच्चा दरबार, मैया रखिए मेरी ला। तेरे पास आने को जी चाहता, तुझे अपना बनाने को जी चाहता, तेरे पास आने को जी चाहता, तुझे अपना बनाने को जी चाहता। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, तुझी में समाने को जी चाहता। समाने को जी चाहता, पिला दे मुझे अपनी मस्ती का प्याला, पिला दे मुझे अपनी मस्ती का प्याला, तेरी मस्ती में आने को जी चाहता। देखिए मैं आपके सामने कैसा भजन प्रस्तुत करूंगी। देखिए एक भक्त की बात है, जो माँ का परम सेवक करता है, माँ का परम सेवक है, माँ की सेवा करता है, कहता है माँ मैं तो तेरे दरबार में हर बार आता हूँ, मगर तू क्यों नहीं आती माँ, क्या खता की है मैंने। और वो भक्त किस प्रकार से फरियाद करता है इस भजन में, मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा, मैया तुझको मैया तुझको बुलाने को मेरी माँ, मैया तुझको बुलाने को। जय हो मीठी मीठी ताली से। Thank you.
तू ही भूले मुझे, तू ही भूले मुझे, मैं ना भूलूं तुझे, तू ही भूले मुझे, मैं ना भूलूं तुझे, चाहे भूलूं जमाने को, मेरी माँ, घर को मन मेरा घर क्या तेरा
और इनकी फरमाइश है बेटी क्या संतान नहीं। और देखिए किस प्रकार से आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इतनी कुरूति फैल गई है भक्तों, आज बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। आज बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भ हत्या कहलाती है। और भक्तों भ्रूण हत्या इसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं। देखिए इसे मैं तो पॉल्यूशन ही कहना पसंद करूंगी, क्योंकि ये भी एक पॉल्यूशन है भक्तों, इसे हमें मिटाना चाहिए। ये बेटी इतनी महान होती है भक्तों, आपको इनको नाम गिनवा दूं। आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट हरियाणा की रहने वाली है, इस पावन भूमि में उन्होंने जन्म लिया है। पीवी सिंधु, ये सब साक्षी पहलवान ये इतना नाम कर रही है भक्तों, और उन्हीं बेटियों को आज गर्भ में मार दिया जाता है। कितना प्रकार का कैसे बड़ा दर्द होता है भक्तों। कहते हैं दो शब्द रखूंगी, के दुनिया में जन्म लेकर जब घर में आती है बेटियां। देखिए भक्तों बेटी बहुत महान होती है, सुनेगा, के दुनिया में जन्म लेकर जब घर में आती है बेटियां, निर्धन को धनवान बनाती है बेटी। आशीर्वाद चाहूंगी, मेरी बहने बैठी है, मेरी माता बहने बैठी है, कानों में महाकाल कराती है बेटियां, माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटी। कहते हैं आप मेरी बात इसको गौर से सुनेगा, सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहां जाएंगी, ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। के दुनिया में जब एक दिन, के दुनिया में जब एक दिन बेटियां ना नजर आएंगी, तो आपके बेटों की बहुएं कहां से आएंगी। आपके बेटों की बहुएं कहां से आएंगी, आपके बेटों की बहुएं कहां से आएगी। आएगा सुनेगा किस प्रकार से उस बेटी ने अपने भावों को लिख दिया, इस भजन के माध्यम से बता दिया और कह दिया क्या, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान। आएगा सुनेगा,
जगत में बेटे का सम्मान, जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान। जय हो मेरी बेटी का जैसे जय हो। आशीर्वाद चाहूंगी।
उस बेटी ने कहा, अंकल जी किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, क्योंकि बेटियों से चलता है घर और परिवार। अगर अच्छी लगे 1 2 3 4 माई के की कप
याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं देख रही हूँ कुछ माता बहनों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंसू नहीं ये भाव है भक्तों जो अपने हृदय से निकल जाते हैं। इन्हें कितना भी रोको नहीं मानते अपने हृदय से निकल ही जाते भक्तों ये भाव है। बेटी जाने लगी कहती है माँ हाथ सीता का राम को दिया हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या हाथ सीता का राम को दिया हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या। और बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा छूटा जाए बाबुल मेरा अंगना छूटा जाए बाबुल मेरा पीहर छूटा जाए बाबुल मेरा अंगना छूटा जाए। कहने लगी बेटी बाबुल बुजुर्ग लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो जानते हैं अपनी बेटी उसे कितना लगाव करती है। भक्तों जब बेटी विदा होती है बहुत दुख होता है। खुशी की बात है बेटी अपने घर जा रही है मगर कितना दुख होता है जब एक बेटी अपने बाबुल राजा के आंगन को लांग कर विदा होते हैं। हर आंख आंसू बहाती है कठोर दिल भी रोने लगता है। बेटी जाने लगी जाती है तो माँ एक सीख देती है आप भी देती होंगी अपनी बेटी को सुनेगा। कहती है बेटी माँ कहती है अपनी बेटी से एक सीख देती हूँ बेटी एक सीख देती हूँ बेटी सास ससुर की सेवा करना सीख देती हूँ बेटी
ठेस कोई ऐसा कोई काम न करना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटी कहती है, माँ मैं जा रही हूं परदेश, मैं जा रही हूं परदेश, जो गलती हो गई हो मुझसे कभी उसको करना मां। क्यों मां? क्यों बेटी कहती है मां? क्योंकि हम तो चले परदेश के, हम परदेशी हो गए, छूटा उठाइए दोनों हाथ अपनी बेटियों से, सच्चा लगाव सच्चा प्रेम करते हो, उठाइए कोई हाथ।